हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका। अरमन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसे लाजवाब नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ कि आप जिसे भी ये नाश्ता बनाकर खिलाएंगे वो आपकी तारीफ ही करते रहेगा, और इस नाश्ते को खाने के लिए कोई मना ही नहीं करेगा। जिसे भूख नहीं होगी वो भी इस नाश्ते को पेट भर के खाएगा, क्योंकि जो नाश्ता है खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि बाकी सारे नाश्तों का स्वाद आप भूल जाएंगे। तो आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। किस शहर से आप इस रेसिपी को देख रहे हैं, अपनी सिटी का नाम मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फटाफट से देरी न करते हुए इस मजेदार से नाश्ते को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पर जो हम घर में रोटी बनाने के लिए गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं ना, वो लिया है। आप मोटा बारीक कैसा भी गेहूं का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो इसे हम डालेंगे एक बाउल में। तो मैंने यहाँ पर मेजिंग कप से 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनकर रेडी होती है। आप चाहें तो इन्हें बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं, या सुबह के ब्रेकफास्ट में बनाकर सभी घर वालों को खिला सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीबन हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डाल देते हैं नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। बेसिक से मसाले ही मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ, जो हमारे घर में हमेशा रखे होते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इसमें हम डालेंगे तेल। तो 3 टेबल स्पून के करीबन मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। और तेल डालना बहुत ज़रूरी है। तेल डालने से क्या होगा कि इसमें मोयन आएगा, और उससे हमारा नाश्ता जो है वो खस्ता बनेगा। यदि आप तेल नहीं डालेंगे तो नाश्ता जो है ना वो थोड़ा सा खस्ता नहीं बनेगा, चमचोल हो सकता है, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो तेल ज़रूर डालिए, और आप मस्टर्ड ऑयल को छोड़कर यहाँ पर कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं जो आप घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीबन अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरह से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, जिसका जो फ्लेवर इसका बहुत ही बढ़िया आएगा। अजवाइन जो है हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, इससे हमारा डाइजेशन भी बहुत ही बढ़िया होता है। अब सारी सामग्री को हम अच्छे से अपने हाथों के हेल्प से मिक्स करेंगे, ताकि गेहूं के आटे के साथ में जो हमने सारे तेल मसाले वगैरह डाले ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ पर इसे मिक्स करना है। मैंने गेहूं के आटे से बनी और भी कई तरह के नाश्ते की रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड की है, जो कि सभी लोगों ने बहुत पसंद की है। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है वो रेसिपी तो ज़रूर देखिएगा, और उन रेसिपी को इन्जॉय करिएगा। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाकर तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। आटा हमको एकदम ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, और एकदम ज़्यादा नरम भी नहीं लगाना है, तो इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। एक साथ ढेर सारा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। जैसा हम पूड़ी या पराठे बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना, सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर पराठा लगाकर तैयार करना है। इस रेसिपी को हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं, ताकि जब आपका मन करे आप इस रेसिपी को बहुत ही आसानी से अपने घर में बना सकें, और इस नाश्ते को खाने के बाद आप बाकी सारे नाश्तों का स्वाद भूल जाएंगे, क्योंकि जो नाश्ता है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको पहले से कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है, तुरंत आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो आटा लगकर यहाँ पर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इतना आटा लगाने के लिए मुझे यहाँ पर 1 कप पानी लिया था मैंने, उसमें से थोड़ा सा पानी बच गया है। अब आटे को हम ढक करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो आटा है वो अच्छी तरह से रेस्ट कर ले। और जब तक आटा रेस्ट कर रहा है, हम बाकी की तैयारी करते हैं। अब एक पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन तेल, और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इस गर्म तेल में हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच के करीबन राई, और राई को अच्छी तरह से फूटने देंगे। तो आप देख सकते हैं राई अच्छी तरह से चटकने लगी है, मीन्स कि अच्छे से पक गई है। राई का इस तरह से फूटना बहुत ज़रूरी होता है, तभी राई का जो टेस्ट है वो बढ़िया आता है। यदि राई अच्छी तरह से फूटे कि नहीं, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच के करीबन सौंफ, 1/3 चम्मच के करीबन डाल देते हैं जीरा, फिर डालेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिर्ची की क्वांटिटी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आपको इस नाश्ते को तीखा बनाना है। अब मिर्ची को हम इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे, ताकि मिर्ची के अंदर का जो कच्चापन है वो चला जाए। तो आप देख सकते हैं मिर्ची जो है वो भी अच्छी तरह से पक गई है। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। अब प्याज को भी बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम पका लेंगे। तो लो से मीडियम फ्लेम पर हमें इसे इस तरह से चलाते हुए पकाना है। और यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर सकते हैं, बिना प्याज के भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं, तो भी ये नाश्ता खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं प्याज में बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। आप इसमें अपने इच्छानुसार और भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सब्जी आपको पसंद हो। जो सब्जियाँ पसंद नहीं हो उसे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जितनी सब्जियाँ आप डालकर इस नाश्ते को बनाएंगे, ये नाश्ता और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 गाजर, जिसे मैंने इस तरह से छोटा छोटा कट कर लिया है। आप जो भी सब्जियाँ लें उसे बारीक बारीक ही कट करें। अच्छी तरह से हम इस दोनों को पका लेंगे चलाते हुए, ताकि इनके अंदर का जो कच्चापन है वो चला जाए। हल्की सी गाजर जो शिमला मिर्च है वो सॉफ्ट हो जाए। तो गाजर और शिमला मिर्च भी बढ़िया सी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1/2 चम्मच डाल देंगे इसमें हम लाल मिर्च पाउडर, इसकी मात्रा आप आपके स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। 1/4 चम्मच के करीबन डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डाल देते हैं चाट मसाला, जिससे बढ़िया सा चटपटा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो इसकी जगह पर आमचूर पाउडर या नींबू का रस डाल सकते हैं थोड़ा सा। 1/2 चम्मच डाल देते हैं नमक,
अच्छे से सारे मसालों को हम सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड के लिए इस तरह से हम इसे चलाते हुए पका लेंगे ताकि मसालों के अंदर का भी जो कच्चापन है वो चला जाए। बेसिक से मसाले मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं जो हम रोज़ घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू जिन्हें मैंने इस तरह से मैश कर लिया है। अब पूरी सब्जियों के साथ में इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से हम इसे चलाते हुए पकाएंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर जो है वो आलू के अंदर चला जाए। आप यदि बच्चों के लिए इस नाश्ते को बना रहे हैं तो आप इसमें चीज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है चीज़। बच्चे जो हैं सब्जियाँ खाने में आनाकानी करते हैं तो आप इस तरह से नाश्ता बनाकर खिलाइएगा उन्हें तो सारी सब्जियाँ भी खा लेंगे और उनको बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता भी खाने को मिल जाएगा। और बच्चों को क्या होता है जब उनकी मनपसंद की कोई चीज़ रहती है वो नाश्ते में डाली जाए ना तो बच्चे बहुत ही मज़े से नाश्ता खाते हैं। इस तरह से स्पैचुला से हम आलू को मैश भी करते जाएंगे ताकि इसके अंदर वो थोड़े बहुत भी बड़े टुकड़े हों आलू के वो भी अच्छी तरह से मैश हो जाए। इस नाश्ते को बनाने के लिए इसके अंदर आलू के बड़े टुकड़े बिल्कुल नहीं रहना चाहिए तो आलू को आप अच्छी तरह से मैश करके लीजिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, अच्छे से मिक्स कर देंगे और मुझे इसे पकाते हुए 3 से 4 मिनट भी कंप्लीट हो चुका है। अब गैस को हम कर देंगे बंद और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब आटे को रखे हुए भी 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, आटे ने अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है तो आटे को हम इस तरह से एक बार मसल लेंगे और मसल कर स्मूथ कर लेंगे। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोषण लेंगे इस तरह से और इसकी एक लोई बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर इसकी लोई बना ली है। अब इस लोई को हम बेलेंगे तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डस कर लेंगे और इसे बेल लेंगे। इसे एकदम ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और एकदम ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। देखिए पतला रखेंगे तो नाश्ता जो है वो जल जाएगा और मोटा रखेंगे तो क्या होगा कि नाश्ता कच्चा रह सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस तरह से रोटी बनाकर तैयार कर ली है। अब मैंने इस तरह से कटोरी ली है तो कटोरी से हम इसे कट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इतनी बड़ी रोटी बनाई है कि इसमें एक बार में 3 पूड़ियाँ कट होगी। आप चाहें तो इससे बड़ी रोटी भी बना सकते हैं। अब इसके साइड के पार्ट को हम हटा देंगे और इसे वापस से गूंथे हुए आटे में मिला लेंगे। और मैंने यहाँ पर जो कटोरी ली है आप चाहें तो इससे बड़ी कटोरी भी ले सकते हैं और थोड़ी सी बड़ी पूड़ियाँ भी बना सकते हैं। अब हाथों से भी आप इसे बना सकते हैं लेकिन हाथों से बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से एक बड़ी रोटी बेलकर इस तरह से छोटी छोटी सी पूड़ियाँ कट कर ली है जिससे हमारा नाश्ता जो है वो जल्दी से बन जाएगा। तो जो स्टफिंग भी यहाँ पर अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है अब हम ये नाश्ता बनाएंगे। तो इस तरह से एक पूड़ी हमारे हाथों में ले लेंगे हम और बीच में इस तरह से हम स्टफिंग भर देंगे। तो 1 चम्मच भरकर हम स्टफिंग इसके अंदर फिल करेंगे। तो जितनी बड़ी पूड़ी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर स्टफिंग फिल करनी है। अब इसके किनारों पर हम इस तरह से थोड़ा सा पानी लगा देंगे। अब इसे धीरे धीरे से उठाकर इस तरह से हम क्लोज़ कर देंगे। तो इसे अच्छी तरह से क्लोज़ करें ताकि जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं आए। और जैसा कि मैंने आपको कहा है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा छोटा साइज़ रखा है, आप चाहे तो थोड़ा सा बड़े साइज़ का भी ये नाश्ता बना सकते हैं। इस तरह से बनाने के बाद इसे हम हल्का सा प्रेस कर देंगे, हल्का सा दबा कर इसे हम चपटा कर लेंगे। अब इसी तरह से हम सारा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। बच्चों की छोटी मोटी पार्टी हो या छोटा सा गेट टुगेदर हो आप इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर तैयार करके फ्रिज के अंदर रख दें और बस कोई भी गेस्ट आए तो आप उन्हें गर्मा गर्म इन्हें फ्राई करके खिलाएं। तो इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। एक एक नाश्ते के पीस को उठाकर हम इस तरह से गर्म तेल में डालेंगे और हमें डालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जिस साइड से हमने ज्वाइंट करा है उस साइड को हमें तेल के अंदर डालना है ताकि क्या होगा कि जो ज्वाइंट है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो नाश्ते के खुलने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। और तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, एकदम ठंडा तेल नहीं होना चाहिए और ना ही एकदम ज़्यादा गर्म तेल होना चाहिए। लो से मीडियम फ्लेम पर आपको इन्हें फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो। तो जितने नाश्ते के पीसेज आ जाएंगे कढ़ाई में उतने हम डाल देंगे और कढ़ाई में डालने के बाद इसे तुरंत चम्मच बिल्कुल नहीं लगाइएगा, एक साइड से इन्हें अच्छी तरह से फ्राई होने दीजिएगा, उसके बाद ही इन्हें टर्न करिएगा। तो एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम टर्न कर देंगे और इसी तरह से इन्हें अलटते पलटते हुए तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनमें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाए। इस नाश्ते को फ्राई होने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी से नाश्ता जो है फ्राई हो जाता है। तो आप देख सकते हैं नाश्ते में हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है। इन्हें फ्राई करने के लिए आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, पेशेंस के साथ आपको थोड़ा सा इन्हें फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो। यदि आप हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर लेंगे तो क्या होगा कि ऊपर से फ्राई हो जाएंगे लेकिन ये अंदर से कच्चे रहेंगे तो खाने में इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इन्हें आप थोड़े से पेशेंस के साथ फ्राई करिएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, अच्छी तरह से ये नाश्ता फ्राई हो चुका है। तो इन्हें हम तेल से बाहर निकालेंगे। तो है ना कितनी टेस्टी और यम्मी सी ये गेहूं के आटे की रेसिपी, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।